पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। ऐसे में जो भी छात्र एवं छात्राएं अप्लाई करेंगे उनको ज़रूरत पड़ती है बोनाफाइड सर्टिफिकेट की। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कॉलेज जाकर किस प्रकार से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाएंगे, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगी तो आप हमें दोबारा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनवाएंगे। तो सभी कॉलेज में आपको अलग अलग तरीके से बोनाफाइड सर्टिफिकेट कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से डिजाइन किया गया है। तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है कि आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट किसी और दूसरे रकम का है और दूसरे कॉलेज का दूसरे रकम का है, तो इस बात पर आप ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देंगे कि आप इसमें जो भी कॉलेज का आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेंगे उसमें कम से कम प्रिंसिपल का मोहर, हस्ताक्षर, उनका नाम, डेस्टिनेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कम से कम ये जानकारी होना चाहिए, या उस कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर दिया गया कॉलेज का सारा डिटेल्स। तो इस तरह से आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर सारा डिटेल्स होना चाहिए कॉलेज का, तो आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको जो भी फॉर्मेट मिलेगा उसे आप किस प्रकार से भरेंगे। तो जो भी आपके कॉलेज में बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलता है उस फॉर्मेट को आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर में डेट रहेगा तो डेट आप भर देंगे, जो भी आज का तारीख होगा। नीचे आएंगे रेफरेंस नंबर में तो ये कॉलेज वाले आपको भर कर देंगे। उसके बाद अपना नाम यहाँ पर भरेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने पिताजी का नाम भरेंगे, यहाँ पर रोल नंबर भरेंगे और कौन सा आपका कोर्स है, ISC फर्स्ट ईयर है तो ISC फर्स्ट ईयर यहाँ पर लिखा गया। सेशन आपका क्या है, 22 से 24 है इस छात्र का तो 22 से 24 लिखा गया है। एंड आपके जो कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपल के मोहर और हस्ताक्षर इस तरीके से होना चाहिए। सो आप यहां पर देख लीजिए, मैं आपको दूसरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिखाता हूं। तो आप यहां पर देख लीजिए, ये डिजिटल बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जो ऑनलाइन ही प्रिंट आउट निकलता है। तो इसमें आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, और मैं दूसरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको दिखाता हूं। तो ये देख लीजिए, ये भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, ये किसी और कॉलेज का है। तो इसमें भी आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रिंसिपल के द्वारा सारा डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाई किया गया है। इस तरीके से आपका भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को देखिए, जो आपका ऑफिशियल बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ये होता है। तो इसी के माध्यम से कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, सो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका जो भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा उसमें ये सारा डिटेल्स होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए प्रिंसिपल से सिग्नेचर और मोहर, तो आपका वो वैलिड होगा और आपको पैसा मिलने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप गलत तरीके से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा के भरकर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट होने की भी संभावना रहती है। अगर आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट में रोल नंबर पूछा जाता है तो आप कौन सा रोल नंबर भरेंगे, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पूछा जाता है तो आप कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, तो आप यहां पर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको समझने वाली बात है। तो अगर आपका ऑफलाइन एडमिशन हुआ था तो ऑफलाइन इस तरह का आपको रसीद मिला होगा, तो रसीद पर जो भी आपका सीरियल नंबर आता है वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर में भरेंगे, और जो भी आपका रोल नंबर होता है वो आप रोल नंबर में भरेंगे। या फिर आपका ऑनलाइन एडमिशन हुआ था तो ऑनलाइन वाले जो भी आपके एडमिशन रसीद होंगे उसमें आपको दिया गया यूनिक फॉर्म आईडी, इस तरह का कोई फॉर्म आईडी होगा वो आप भरेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर में, और जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आप यहां से रोल नंबर भर लेंगे। इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप पोस्ट मैट्रिक के स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बातें हैं जो ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा, वरना आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। तो बात आपको क्या समझना, आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जब भी आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए तो आपका जो जाति आय आवासीय हुआ है वो आपका करेंट होना चाहिए, यानी इसी साल का होना चाहिए। अगर आप 2021 का देते हैं तो आपका यहाँ पर रिजेक्ट होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ और भी बातें बताई गई है, जैसे कि आपको बैंक पासबुक करेंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, यानी रिचार्ज होना चाहिए तो भी आप उसी मोबाइल नंबर को दीजिए, वरना रिचार्ज नहीं होगा तो OTP वेरिफिकेशन नहीं होगा, जिससे आपका ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं होगा। तो इस तरह का तमाम बातें इस पोस्ट पे आपको लिखी गई है। आप चाहते हैं इस पोस्ट को पढ़ना तो एक बार ज़रूर रीड कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा।